आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है? एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा। उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाई है, 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाँव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृ दोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृ दोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो। तो ये पितृ दोष का स्मरण, एक बात आपको कही थी, आप लोगों को स्मरण होगा, अगर मान लो आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौए को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना, और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। सबसे सरल महाराज, पहले के समय में 2 दोष नहीं होते थे घर में, एक पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष। मटका होता है पानी भरने का, जो मटका पात्र होता है वो पितरों का स्थान होता है, और घर में से जब पानी लेकर जाते थे तो पूरे घर का वास्तु दोष उस पानी के अंदर जाता था, और घर के मटके में से पानी ले जाते थे तो पितृ दोष उसमें समाहित होकर चला जाता था। शंकर को चढ़ाने से वास्तु दोष और पितृ दोष दोनों समाप्त हो जाता था महाराज, दोनों। अब आज के जमाने में घर का पानी कोई चढ़ाता ही नहीं है, इसीलिए घर में दोनों दोष। रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1-1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए, 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, पूर्वज थे उनका कल्याण कर दिया उस दूध ने, उस भाग ने।